सात महीने की बच्ची में दिखे टीबी जैसे खतरनाक बीमारी के लक्षण, डॉक्टर भी रह गए हैरान। अब दिया जा रहा है विशेष ट्रीटमेंट। सोशल मीडिया पर खबर हर किसी को कर रही चकित। लोग बोले ये कैसे संभव, तो डॉक्टर बोले पता लगाई जा रही है वजह। अभी हाल ही में एक ऐसा चौंकाने वाला मामला निकल कर आया है जो वास्तव में हैरान करने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक छोटी बच्ची को टीबी की शिकायत मिली है। जानकारी करने पर पता चला है कि इस बच्चे के किसी भी अपने को टीबी नहीं है, फिर भी छोटी बच्ची को टीबी कैसे हो गई और कैसे पता चला कि छोटी बच्ची को टीबी है, इस प्रश्न का जवाब हम आपको आगे खबर में देंगे। इसलिए अगर आपके यहाँ या आपके आसपास किसी के यहाँ छोटा बच्चा हो तो खबर बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। दरअसल अभी हाल ही में कोटद्वार में टीबी का ऐसा मामला निकलकर सामने आया जिसने डॉक्टरों को भी हैरान कर दिया। इस मामले को लेकर जानकारी मिली है कि महज सात महीने की बच्ची में टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस के शुरुआती लक्षण दिखाई देने से डॉक्टर भी हैरान हो गए। बच्ची का डॉट्स ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले बाल रोग विशेषज्ञ की ओर से अब एक और जांच कराई जा रही है। इस मामले को लेकर बच्ची के परिजनों ने बताया कि बीते 15 मई को टीका लगा था और बुखार आया था, तब से उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मिली जानकारी के मुताबिक कोटद्वार के आम पड़ाव निवासी एक कारोबारी की सात महीने की बेटी है। बीते 15 मई को बैस अस्पताल में उसका टीकाकरण करवाया गया, उसके बाद बच्ची को बुखार आया तो परिजन उसे बैस अस्पताल लेकर गए जहां बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हरिंद कुमार ने बच्ची का उपचार शुरू किया, लेकिन बच्ची के स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ तो वो बीते 21 मई को परिजन उसे नजीबाबाद में एक निजी बाल रोग विशेषज्ञ के पास लेकर गए जहां पर डॉक्टरों ने बच्ची का मनटॉक्स टेस्ट किया जिसमें टीबी की पुष्टि हुई। इस पुष्टि के बाद परिजन कोटद्वार आए और अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुशांत भारद्वाज से संपर्क साधा। यहां पर मात्र सात महीने की बच्ची को टीबी होने पर डॉक्टर भी चकित रह गए। बच्ची के घर वालों ने मीडिया को बताया कि उनके परिवार में किसी को भी टीबी नहीं है, उनकी कोई टीबी की हिस्ट्री नहीं है। इस मामले को लेकर बाल रोग विशेषज्ञ ने जानकारी देते हुए बताया कि किसी परिवार की अगर टीबी हिस्ट्री न हो तो वहां इतने छोटे बच्चे को ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित होना शोचनीय है। तो वहीं अब इस बच्ची का सीवी नेट टेस्ट किया जाएगा, अगर इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो फिर बच्ची का टीबी उपचार देना शुरू कर दिया जाएगा। इस मामले को लेकर डॉक्टरों ने बताया कि अभी बच्ची की उम्र कम है इसलिए इसको दवा का ज्यादा डोज नहीं दिया जा सकेगा। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुशांत से मिली जानकारी के मुताबिक मनटॉक्स टेस्ट के बाद सीबी नेट टेस्ट कराने में 10 दिन का अंतर होना चाहिए, इसलिए अभी इंतजार किया जा रहा है। अगर सीबी नेट टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो कुछ समय बाद एक बार फिर मनटॉक्स टेस्ट किया जाएगा। अब आप ये भी समझ लीजिए कि मनटॉक्स टेस्ट क्या होता है। इसमें मरीज के हाथ पर इंजेक्शन लगाया जाता है, अगर इस जगह पर लाल रंग का घेरा हो जाता है तो इसका मतलब संबंधित को टीबी है। इस मामले को लेकर बच्ची के पिता ने बताया कि जन्म के तुरंत बाद उसे बेस अस्पताल कोटद्वार में पहला टीका 11 नवंबर 2023 को, दूसरा टीका 28 फरवरी 2024 को और तीसरा टीका बीते महीने 15 मई को लगा था। तीसरे टीके के 3 दिन बाद बच्ची को बुखार आया। उपचार के बाद बुखार तो उतर गया लेकिन बच्ची की तबीयत में सुधार नहीं हुआ। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या कहना चाहते हैं, आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर साझा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पीडीएन न्यूज़।